बायर क्रॉप साइंस दुनिया भर में कृषि में क्रांति का प्रतीक मानी जाती है। बायर पिछले 130 सालों से खेतीबाड़ी की दुनिया में तकनीकी खोज करती आ रही है। बायर के जबरदस्त उत्पादों को भला कौन नहीं जानता। नरमे की सुरक्षा के लिए कॉन्फिडोर से लेकर ओबेरॉन आदि आधुनिक कीटनाशकों से लाखों भारतीय किसान पिछले कई वर्षों से लाभ उठाते आ रहे हैं। बायर का मकसद केवल कीटनाशकों की खोज तक ही सीमित न रहकर किसानों की मांग और उनकी विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए बुआई से कटाई तक यानी कि बीज से लेकर पूरी फसल की सुरक्षा तक का बीड़ा उठाया है, जिसके अंतर्गत कीटनाशकों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे नवीनतम तकनीक युक्त बीजों का आविष्कार करके भारतीय किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे नरमे में हाइब्रिड सरपास ब्रांड, धान में एराइस, बाजरा व सरसों में प्रो एग्रो ब्रांड के नाम प्रचलित हैं। इंसान की जिंदगी और दिनचर्या में कपास एवं नरमे से बने विभिन्न उत्पाद जैसे कपड़ा आदि का विशेष महत्व है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में नरमे की दिन प्रतिदिन बढ़ रही मांग ने अब जरूरी कर दिया है कि किसान ज्यादा पैदावार के लिए उच्च तकनीक और बढ़िया किस्म के बीजों का प्रयोग करें। पर अगर पिछले कई सालों की ओर नजर घुमाकर देखें तो पता चलता है कि नरमे की खेती करना भारतीय किसान के लिए मुश्किल एवं घाटे का सौदा था, क्योंकि नरमे में कीट नियंत्रण के लिए शक्तिशाली कीटनाशकों के 15 से 20 स्प्रे के बावजूद भी खतरनाक अमेरिकन सुंडी आदि पर नियंत्रण नहीं हो पाता था, क्योंकि इन कीटों में प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न होती रही है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने बीटी कॉटन बीज का आविष्कार किया, जो कि नरमे के बीज में किसानों के लिए वरदान साबित हुए। कई साल पहले बायर क्रॉप साइंस ने नरमे के बीटी कॉटन बीज आईटी 905 के साथ अपना सफर शुरू किया। आईटी 905 ने देर से बुवाई वाले क्षेत्रों में कम समय में ज्यादा पैदावार देकर अपनी जगह बनाई, लेकिन विभिन्न जलवायु और किसान की जरूरतों को समझते हुए बायर क्रॉप साइंस ने सरपास की श्रृंखला में दो नए हाइब्रिड बीज एसपी 7007 और एसपी 7010 देकर अपने कदम आगे बढ़ाए। बीटी होने के कारण इन बीजों में कीटनाशक शक्ति के अलावा कुछ और भी है। आइए अब हम बात करते हैं एसपी 7007 की। एसपी 7007 बीटी 1 और बीटी 2 यानी कि किसानों की भाषा में कहें तो सिंगल बीटी और डबल बीटी गुणों में उपलब्ध है। एसपी 7007 की खेती हर प्रकार की जमीन जैसे रेतली, दोमट और भारी जमीन में सफलतापूर्वक की जा सकती है। एसपी 7007 का कद 6 से 6.5 फीट के लगभग तक होता है और इसका पौधा सीधा एवं खुला होता है, जिससे धूप व हवा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचती है, जिस कारण पौधा न केवल अपना भोजन भरपूर मात्रा में बनाने में सक्षम होता है, बल्कि फफूंदी आदि के रोग से भी बचा रहता है और हरा भरा तथा तंदुरुस्त भी रहता है। एसपी 7007 के पौधे पर लगभग 4.25 ग्राम वजन में मध्यम आकार के लड़ीदार टींडे लगते हैं, जिससे टींडों की संख्या ज्यादा और अधिक पैदावार मिलती है। इसके पत्ते मध्यम आकार एवं रोएदार होने के कारण रस चूसक कीट हमला कम करते हैं, जिससे स्प्रे आदि का खर्चा काफी कम हो जाता है। यही रोएदार पत्ते वाष्पीकरण की क्रिया को मंद करते हैं, जिससे पौधे की गर्मी की प्रति सहनशीलता बढ़ जाती है और खुश्की की अवस्था में भी अधिक हरा भरा रहता है। टींडे पूर्ण रूप से खिलते हैं, जिस कारण चुगाई आसान होती है और लेबर का खर्चा भी काफी कम होता है।
जिससे प्रति एकड़ ज्यादा पैदावार और ज्यादा मुनाफा मिलता है। ये जो वैरायटी है 7007 ये बहुत बढ़िया है, इसका फैलाव भी बहुत अच्छा है, इसके टिंडे भी खूब है, लड़ीदार टिंडे लड़ीदार लगते हैं, इसके हाइट भी इसकी 5.5 से 6.5 फुट है, इसका खिलाव बहुत अच्छा है, वाइट फ्लाई का भी इस पर प्रकोप कम है। हम इस बीज के बारे में बहुत अच्छी ताइत करते हैं, बहुत अच्छा बीज है, वायर 7007 बीज है, तो बीमारी कम है, एक हाइट इसकी बढ़िया है, दूसरे से 1 फुट 1.5 फुट ज्यादा है, ठीक है। फिर इसके लड़ीदार टिंडे लगते हैं, ये लड़ी है 3 स्प्रे हुई है अभी तक। 7007 वैरायटी है, पौधे का संतुलन है, इसमें जो 4-4 ताड़ियां नीचे से निकलती हैं उसको खूब है, उसमें जितने भी टिंडे लेंगे वो पौधा वहाँ से गिरता नहीं। एक इसका पत्ता जो है मुलायम, इतना सुंदर है, फसल पे कीड़े का अटैक कम होता है, इसकी लंबाई भी खूब अच्छी है। मैंने 7007 वैरायटी लगाई है जी, और इसके अंदर देखो जी सुगाई भी आसान है जी, और इसका कद भी अच्छा है जी, मैंने 2-3 पानी लगाए जी, इसमें बीमारी भी रोग भी नाम मात्र ही है, रोग नहीं आता जी, और इसके फुटाव भी अच्छा है जी, इसके टिंडे भी ज़्यादा लगते हैं दूसरे से, और इसकी वैरायटी जो रेसा है रुई है ये भी अच्छी है जी, ये वैरायटी लगाएं और इसमें अपना भरपूर फायदा पाएं। सरपास की श्रृंखला का एक और हाइब्रिड बीज SP7010 जो कि BG1 तकनीक में उपलब्ध है। SP7010 की खेती उन्नतशील किसान जिनके पास उपजाऊ जमीन व सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं, अधिक कामयाबी से कर सकते हैं। पौधे की बढ़वार शुरू से ही बहुत अच्छी होती है, जिसकी ऊंचाई 5.5 से 6.5 फीट होने के साथ इसका तना वे शाखाएं काफी मजबूत होती हैं, जिसके कारण तेज हवा में भी फसल गिरने से बचती है। बड़े आकार के भारी टिंडे लगभग 5 ग्राम तक, बढ़िया खिलावट जिससे प्राप्त हो खरीदार का पसंदीदा उच्चतम क्वालिटी का नरमा, जिससे प्रति एकड़ ज्यादा पैदावार और ज्यादा मुनाफा मिलता है। मैंने इस साल बायर का 2 बीघा 70-10 मैंने लगाया, इसके बिजाई 25 मई को की मैंने। सबसे अच्छी बात इसमें है इसका जर्मिनेशन, इसमें एक पैकेट पर बीघा का बुआई की है, उसके बाद में 3 बार इस नरमे को बीच में उखाड़ के डिफरेंस इसका सही किया है, उसके बाद में भी ये बिल्कुल सही है, स्किन पेस्ट सबसे कम आया इसमें, टिंडे का साइज अच्छा है, साफ है और क्वांटिटी में ज़्यादा है। अगले साल में 15 या 20 बीघे तक IT 7010 की बुआई करूँगा। वायर 7010 जी है और बहुत अच्छी वैरायटी है, हाइट भी पूरी है उसकी, और वैसे जैसे झाड़ में भी लगभग बहुत बड़ी है, 9-9.5 क्विंटल की एवरेज आई है, लगभग 4 या 5 पानी में इसको पकाया जा सकता है, और बहुत अच्छी वैरायटी है, और स्प्रे का भी खर्चा नॉर्मल ही है इसका। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, क्योंकि बायर के सभी उत्पाद कई वर्षों की शोध और अंतरराष्ट्रीय मानक दंडों पर खरे उतरने के बाद ही बाजार में उपलब्ध कराए जाते हैं, इसी कारण SP7007 और 7010 में जमाव प्रतिशत ज्यादा रहता है। पौधे की बढ़वार शुरू से ही अच्छी होती है, सभी पौधे एक जैसे होते हैं जिससे ज्यादा पैदावार मिलती है। इन सभी पौधों का आकार और ऊंचाई अधिक होने के कारण यदि नरमे की खेती में पौधे से पौधे व कतार से कतार की उचित दूरी बनाकर रखने से SP7007 और 7010 से अधिक पैदावार मतलब ज्यादा मुनाफा लिया जा सकता है।